Hello friends, welcome all of you. In this video, I, Abhay Kumar, going to discuss a very, very important topic in mathematical physics for BSc Part 3 Physics Honors courses, which is Cauchy's integral theorem, and using this theorem to evaluate the integral over closed loop C 1 by z dz. इस वीडियो में हम लोग BSc Part 3 Physics Honors courses के लिए मैथमेटिकल फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कौचिज इंटीग्रल थ्योरम तथा इस पर बेस्ड एक इंटीग्रेशन इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी 1 बाई जेड डी जेड का को इवैल्यूएट करना। और इस टॉपिक को कौचिज इंटीग्रल थ्योरम तथा इस पर बेस्ड एप्लीकेशंस को यूजुअली BSc Part 3 Physics Honors के क्वेश्चन पेपर्स में, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जामिनेशंस में हमेशा पूछा जाता है, यूजुअली पूछा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट ऑफ कौचिज इंटीग्रल फार्मूला और कौचिज इंटीग्रल थ्योरम। द स्टेटमेंट इज राइट डाउन इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन ऑफ कैपिटल जेड विच इज कॉम्प्लेक्स एंड इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट इच पॉइंट विद इन एंड ऑन ए क्लोज कंटूर सी, देन इंटीग्रल ओवर द इंटायर क्लोज लूप सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड कौचिज इंटीग्रल थ्योरम। नाउ प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, प्रूफ, लेट कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर टू फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विथ कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव्स डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स एट एवरी पॉइंट विद इन द क्लोज्ड कर्व सी एंड ऑन द क्लोज कर्व सी, देन यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वी हैव इंटीग्रल यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम वी हैव इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप कैपिटल एम इंटू डी एक्स प्लस कैपिटल एन इंटू डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल इन आर एच एस, देर इज सरफेस इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेस एस विच इज इनक्लोज्ड इन साइड द कर्व सी। एस क्या है? इंटायर सरफेस है, सरफेस एरिया है जो कि क्लोज्ड कर्व सी के अंदर इंक्लोज किया गया है। सो ग्रीन्स थ्योरम इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी कैपिटल एम डी एक्स प्लस कैपिटल एन डी वाई इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन यूज करना होगा और नीचे में एस इंटीग्रल के सेकेंड इंटीग्रल के नीचे में एस देना होगा जो सरफेस को इंटायर सरफेस को डिनोट करता है। तो ये हो जाएगा आर एच एस में डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एस, वेयर डी एस इज द सरफेस एलिमेंट विच इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी वाई, एंड दिस इज ग्रीन्स थ्योरम वेयर एम एंड एन आर टू, एम एंड कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर टू फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई विथ कंटिन्यूअस फर्स्ट डेरिवेटिव्स डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स एट एवरी पॉइंट विद इन एंड ऑन द क्लोज्ड कर्व सी कंटिन्यूअस। फर्स्ट डेरिवेटिव्स डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स आर कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द क्लोज कर्व सी एंड इन साइड द क्लोज कर्व सी, वेयर राइट डाउन वेयर कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर टू, बोथ आर टू फंक्शंस, कैपिटल एम एंड कैपिटल एन आर टू फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, वेयर एम एंड एन आर टू फंक्शंस ऑफ
two functions of two variables x and y. Whose first derivatives del m upon del y and del n upon del x are continuous inside and on the surface of the closed curve or closed contour C. तो हमने ग्रीन्स फंक्शन को यहाँ लिखा इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू सरफेस इंटीग्रल डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एस. और ग्रीन्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है. अब हम सपोज करें फंक्शन एफ जेड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्रेस एनालिटिक फंक्शन एफ जेड ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड एच एफ जेड इजकल टू यू प्लस आई वी. नाउ वी हैव दिस इज इक्वेशन नंबर वन. दैट इज ग्रीन्स थ्योरम इज इक्वेशन नंबर वन. नाउ फंक्शन एफ जेड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एफ जेड इजकल टू यू विच इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई यू एक्स वाई प्लस आई वी इज द ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स. तो एफ जेड इजकल टू वी कैन एक्सप्रेस एफ जेड एनालिटिक फंक्शन एफ जेड एज यू प्लस आई वी. वी हैव ऑलरेडी डन इट इन कॉची राइमन इक्वेशन. दिस इज इक्वेशन नंबर टू वेयर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई वी नो वेरी वेल. लेट इट इक्वेशन नंबर थ्री ऑन डिफ्रेंसिएशन जेड इजकल टू एक्स प्लस आई वाई. कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम एक्स प्लस आई वाई के रूप में एक्सप्रेस करते हैं बहुत पहले से जानते हैं क्लास 11 से ही जानते हैं मैथमेटिक्स में. ऑन डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थ्री बोथ साइड्स. ऑन डिफ्रेंसिएशन वी हैव लेफ्ट हैंड साइड में जेड है तो जेड का एग्जैक्ट डिफ्रेंसिएशन डी जेड हो जाएगा और एक्स का डी एक्स हो जाएगा और प्लस आई वाई का डी वाई हो जाएगा. तो डी जेड इजकल टू डी एक्स प्लस आई डी वाई. दिस इज इक्वेशन नंबर फोर. अब हम कौची इंटीग्रल थ्योरम के एल एच एस को हम एक्सप्रेस एफ जेड और डी जेड के वैल्यूज को पुट कर इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ एफ जेड वी जेड डी जेड कैन बी रिटेन एज एफ जेड का वैल्यू कितना है यू प्लस एफ जेड का वैल्यू है यू प्लस आई वी. सो नाउ एल एच एस ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम विच इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी एफ जेड इज यू प्लस आई वी इंटू डी जेड. डी जेड इज डी एक्स प्लस आई डी वाई डी एक्स प्लस आई डी वाई. आर एच एस ऑफ कॉची इंटीग्रल थ्योरम इज जीरो. तो वी हैव टू प्रूव इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी एफ जेड डी जेड इजकल टू जीरो. तो हम लोग एल एच एस लेकर चले हैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम का और आर एच एस इजकल टू जीरो ऑब्टेन करेंगे. अब यहाँ पर यू मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस आई इंटू आई आई स्क्वायर माइनस वन वी डी वाई और फिर मैंने टोटल फोर टर्म्स होगा जिसको दो अलग अलग इंटीग्रल मैंने दो टर्म्स का पेयर लेकर के दो इंटीग्रल टू इंटीग्रल्स के सम के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये हो गया इंटीग्रल ओवर आर एच एस इज आर एच एस ऑफ दिस इक्वेशन एफ जेड डी जेड विच इज द एल एच एस ऑफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला. सो इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप यू मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स दैट इज यू डी एक्स और इमेजिनरी टर्म को के इंटीग्रेशन को एक साथ रखेंगे और जो रियल टर्म वाला होगा उसको एक साथ यू डी एक्स
और अब आई भी मैं आई डी वाई से मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से, तो आई इंटू आई आई स्क्वायर माइनस वन भी डी वाई हो जाएगा। तो माइनस भी डी वाई प्लस, अब एक इंटीग्रल का यह सेट हो गया, मैंने एक मैंने फर्स्ट इंटीग्रल में दो टर्म्स हो गए एक साथ ब्रैकेट के अंदर, यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। और अब हम मल्टीप्लाई करेंगे यू आई डी वाई, अब फिर आई भी को करेंगे, मतलब फर्स्ट टर्म को, मैंने फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के सेकेंड टर्म से करेंगे, तो यू आई यू डी आई यू डी वाई हो जाएगा। अब सेकेंड टर्म को फर्स्ट ब्रैकेट के सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से करेंगे सेकेंड ब्रैकेट को का, तो आई भी डी एक्स, तो आई कॉमन कर लें और इंटीग्रल भी होगा, इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप प्लस सेकेंड इंटीग्रल, यहाँ तो इंटीग्रल सी कॉमन था, अब इसको दो इंटीग्रल के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और प्रत्येक इंटीग्रल में दो दो टर्म्स हैं, तो आई इंटीग्रल को इंटीग्रल से बाहर कर लेते हैं, तो भी इंटू डी वाई भी डी वाई और प्लस यू इंटू डी वाई, आई बाहर कर लिया है एंड दिस इज आर एच एस, एल एच एस इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप एफ जेड डी जेड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 5। नाउ यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इन बोथ इंटीग्रल्स, इन बोथ इंटीग्रल्स ऑफ आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 के आर एच एस में दोनों इंटीग्रल्स में अब ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम के दोनों इंटीग्रल्स आर एच एस के इक्वेशन 5 के आर एच एस के दोनों इंटीग्रल्स अब ग्रीन्स थ्योरम के फॉर्म में, ग्रीन्स थ्योरम के रूप में एक्सप्रेस्ड हो चुके हैं। तो यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम इन बोथ इंटीग्रल्स ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 5, वी हैव फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5 इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई। अब इसको ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके एक्सप्रेस किया जा सकता है, सरफेस इंटीग्रल आर एच एस में हो जाएगा, एल एच एस में तो लाइन इंटीग्रल है ओवर द इंटायर क्लोज लूप। अब फर्स्ट फंक्शन यहाँ यू है, सेकेंड फंक्शन कौन है वी है, और ग्रीन्स थ्योरम ओरिजिनल ग्रीन्स थ्योरम में फर्स्ट फंक्शन एम है सेकेंड फंक्शन एन है, तो अब क्या हो जाएगा, और उसमें ओरिजिनल ग्रीन्स थ्योरम में बीच का जो टर्म है दोनों टर्म के बीच में प्लस साइन होता है, यहाँ पर माइनस है, इसलिए फर्स्ट टर्म में आर एच एस में माइनस, हम सेकेंड टर्म कितना हो गया यहाँ पर एन के जगह भी है, तो डेल एन पार्शियल डेरिवेटिव डेल एन अपॉन डेल एक्स और माइनस, बीच में माइनस होता है। अब फर्स्ट फंक्शन कैपिटल एम के जगह यू है इस इंटीग्रल में, तो माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई अंडर ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज्ड और बाहर में डी एस इंटू डी एस, तो एन के जगह कितना हो गया, अब वहाँ तो हमारा ओरिजिनल में एन था लेकिन यहाँ पर सेकेंड फंक्शन कौन है भी है, तो अब यहाँ पर भी एन के जगह पर क्या कर देंगे भी कर देंगे और एम के जगह क्या कर देंगे यू कर देंगे, यह सेट हो गया, माने ग्रीन्स थ्योरम में सेट हो गया, ये ग्रीन्स थ्योरम में यह इंटीग्रल सेट हो गया, तो हो जाएगा आर एच एस में इंटीग्रल ओवर क्लोज सरफेसेस डबल इंटीग्रेशन ओवर द इंटायर सरफेस माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एस एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसे सपोज कर लें एंड नाउ सेकेंड इंटीग्रल इज, सेकेंड इंटीग्रल का में तो आई भी है लेकिन हम केवल जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप भी डी वाई प्लस यू डी वाई में ही ग्रीन्स थ्योरम का यूज को अप्लाई करेंगे, तो एंड इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी भी डी वाई प्लस यू डी वाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर द इंटायर सरफेसेस इनक्लोज्ड बाई द क्लोज कर्व सी, एस क्या है इंटायर क्लोज सरफेस है, इंटायर सरफेस है जो कि क्लोज्ड कर्व क्लोज कंटूर सी के अंदर इनक्लोज्ड है घिरा है, तो आर एच एस में सरफेस इंटीग्रल। अब डेल यू यहाँ हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन यू है इस इंटीग्रल में, डेल यू अपॉन डेल एक्स यहाँ प्लस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर एल एच एस में
दोनों टर्म्स वी डी वाई और यू डी वाई के बीच में प्लस है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में है ग्रीन्स थ्योरम के। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल वी, फर्स्ट फंक्शन वी है तो डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ यूजिंग कॉची राइमन डिफरेंशियल इक्वेशंस इन बोथ इक्वेशंस दैट इज 6 and 7, दैट इज बोथ टर्म्स, बोथ इंटीग्रल्स ऑफ इन आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5। सो कॉची राइमन इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस आर कॉची राइमन डिफरेंशियल इक्वेशंस आर क्या है? कॉची राइमन इक्वेशंस डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इजकल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इजकल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 8। दीज आर कॉची राइमन डिफरेंशियल इक्वेशंस, डेल यू अपॉन डेल एक्स इजकल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इजकल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसका हम यूज कर लें कॉची राइमन इक्वेशंस का, किसमें? इक्वेशंस 6 and 7, दैट इज बोथ इंटीग्रल्स ऑफ आर एच एस इन इक्वेशन नंबर 5। तो अब चूंकि यहाँ पर इक्वेशन 6 में डेल वी अपॉन डेल एक्स है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की जगह क्या हो जाएगा? माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, और माइनस आगे में भी है इस टर्म के, तो माइनस माइनस प्लस डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा, और सेकेंड टर्म में भी डेल यू बाई डेल वाई है, माइनस साइन बीच में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन 6 भी का आर एच एस भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन 5 का फर्स्ट इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? 0। यूजिंग इक्वेशंस 8 इन इक्वेशन 6 and 7, दैट इज इन बोथ इंटीग्रल्स ऑफ आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5। तो पहले फर्स्ट जो इंटीग्रल है इक्वेशन 5 का आर एच एस में, जिसे इक्वेशन 6 द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, तो यूजिंग इक्वेशन 8 इन 6 and 7, इन आर एच एस ऑफ 6 and 7, वी गेट फर्स्ट इंटीग्रल सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई इक्वल्स टू आर एच एस क्या हो जाएगा? कॉची राइमन इक्वेशन से मैंने कहा फर्स्ट टर्म हो जाएगा डेल वी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स इजकल टू डेल यू बाई डेल वाई और माइनस डेल यू बाई डेल वाई, तो 0 हो गया, कैंसिल होकर 0 हो गया आर एच एस। एंड फिर अब इक्वेशन 7 के आर एच एस में यूज करें, जो कि इक्वेशन 5 का सेकेंड इंटीग्रल है, तो उसमें भी डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना है? डेल यू अपॉन डेल एक्स जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, वह कितना है? डेल वी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में ही डेल यू अपॉन डेल एक्स की जगह डेल वी अपॉन डेल वाई रखेंगे, और माइनस डेल वी बाई डेल वाई है, तो फिर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल वाई कैंसिल होकर 0। तो 7 का मतलब 7 का आर एच एस भी 0 हो गया, तो मतलब सेकेंड इंटीग्रल भी इंटीग्रल ओवर सी क्लोज लूप सी वी डी वाई प्लस यू डी वाई इट ऑल्सो बिकम्स 0 यूजिंग कॉचीज राइमन इक्वेशंस। अब इन दोनों इंटीग्रल का वैल्यू 0 आ गया, तो मतलब इक्वेशन 5 का आर एच एस एल एच एस में क्या था? कॉची इंटीग्रल फार्मूला का एल एच एस था, दैट इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी एफ जेड डी जेड। और आर एच एस में क्या था? फर्स्ट इंटीग्रल था इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी यू डी एक्स माइनस वी डी वाई, तो उसका वैल्यू 0 आ गया। और सेकेंड इंटीग्रल में क्या था? आई जो सेकेंड इंटीग्रल का टर्म था आई इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप वी डी वाई प्लस यू डी वाई, उसका भी वैल्यू कितना आ गया? उसका भी वैल्यू आ गया कितना? 0 आ गया। तो अब यूजिंग सो आर एच एस ऑफ इक्वेशन 5 रिड्यूसेस टू सो आर एच एस ऑफ इक्वेशंस
इक्वेशन फाइव रिड्यूसेस टू दैट इज इक्वेशन फाइव बिकम दैट इज RHS ऑफ इक्वेशन फाइव reduces टू जीरो सो इक्वेशन फाइव बिकम्स सो इक्वेशन फाइव बिकम्स इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म भी जीरो हो गया इक्वेशन फाइव के RHS का और सेकेंड टर्म में भी था इंटीग्रल उसका वैल्यू i प्लस i इंटू इंटीग्रल तो इंटीग्रल का वैल्यू जीरो हो गया दैट इज जीरो प्लस जीरो दैट इज जीरो दैट इज वी हैव ऑब्टेंड कौची इंटीग्रल थियोरम और कौची इंटीग्रल फार्मूला वी हैव प्रूव्ड इट नाउ वी हैव प्रूव्ड इट देयरफॉर इंटीग्रल ओवर सी एफ जेड डी जेड इजकल टू जीरो प्रूव्ड दिस इज कौचिज इंटीग्रल थ्योरम नाउ वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कौचिज इंटीग्रल थ्योरम टू अप्लाई टू वैल्यूएट द इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी वन बाई जेड डी जेड दैट इज टू वैल्यूएट इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी डी जेड अपॉन जेड वेयर एफ जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड एफ जेड इज इक्वल टू वन बाई जेड विच इज एनालिटिक एवरीवेयर इन साइड द क्लोज कंट्रोल सी एंड ऑन द क्लोज कंट्रोल और क्लोज कर्व सी एक्सेप्ट एट जेड इजकल टू जीरो एक्सेप्ट फॉर जेड इजकल टू जीरो सो राइट डाउन टू इवेलुएट टू इवेलुएट द इंटीग्रल टू इवेलुएट द इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी वन बाई जेड डी जेड दैट इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी डी जेड अपॉन जेड वन बाई जेड डी जेड को इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप डी जेड अपॉन जेड लिखा जा सकता है तो टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल लेट एफ जेड द गिवन फंक्शन इज एफ जेड इजकल टू वन बाई जेड तो लेट एफ जेड इजकल टू वन बाई जेड इज एनालिटिक फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड एक्सेप्ट जेड इजकल टू जीरो दैट इज एट द पोल इफ इफ द फंक्शन एफ जेड इंक्लूड्स सॉरी इफ द क्लोज कर्व सी इंक्लोजेज द ऑरिजिन वी ड्रॉ एन आर्क सी वन ऑफ अ स्मॉल रेडियस सी वन इन साइड द क्लोज्ड कंटूर सी दिस इज क्लोज कंटूर सी एंड दिस इज सी वन सी वन इज ए सर्किल ऑफ रेडियस अ स्मॉल आर हैविंग सेंटर एट ओ इफ दिस क्लोज्ड कंटूर सी इनक्लोजेज द ओरिजिन देन वी हैव सपोज्ड ए क्लोज कंटूर सी वन ए क्लोज सर्किल सी वन इन साइड द क्लोज लूप क्लोज कंटूर सी ऑफ रेडियस आर टेकिंग ओ एज द सेंटर देन देन वी कैन एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स फंक्शन जेड एज इन टर्म्स ऑफ
in terms of r as z is equal to r e to the power I theta. So z is equal to r e to the power I theta. On differentiation, dz equals to r into e to the power I theta का differentiation, e to the power I theta, और फिर I theta का करेंगे differentiation. तो exact differentiation, तो I into d theta. Therefore, dz on differentiation, after differentiating both sides of z is equal to r into e I theta. Complex function z को हम express कर सकते हैं r के term में और exponential function के रूप में. तो r और theta के term में, तो r e to the power I theta. तो डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ऑन डिफ्रेंसिएशन एल एच एस डी जेड हो गया या e टू दी पावर आई थीटा का डिफ्रेंसिएशन e टू दी पावर आई थीटा और फिर आई थीटा का करेंगे तो आई इंटू डी थीटा. तो ये हो गया कितना डी जेड इजकल टू आर आई और आई आर e टू दी पावर आई थीटा डी थीटा. नाउ द गिवन इंटीग्रल इज इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप्स सी वन बाई जेड डी जेड और यह इंटीग्रल अगर ओरिजिन को इंक्लूड करता है क्लोज लूप सी तो फंक्शन एफ जेड जो होगा वह क्या होगा फंक्शन एफ जेड जो है कंटिन्यूअस होगा बिटवीन सी एंड सी वन. सो तो फंक्शन एफ जेड इज सॉरी फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक बिटवीन द कर्व सी एंड सी वन. So we can write integral over closed loop C 1 by Z dZ as integral over closed loop C1 1 by Z dZ and it is 1 by Z Z का वैल्यू रखा जाए integral over closed loop C1 1 by Z that is 1 by Z is R e to the power I theta and dz is here I r e to the power I theta d theta I r e to the power I theta d theta r I theta से r I theta cancel हो गया numerator denominator में. अब यहाँ limit कितना हो जाएगा यहाँ पर C1 के लिए पूरे close circle पर total angle 0 to 2 pi circle के अंदर total angle form होता है circle के द्वारा center पर कितना 2 pi का तो 0 से 2 pi integral हो जाएगा पूरे close loop पर for the closed curve C1 which is inside the closed contour C. तो क्या हो गया वैल्यू इंटीग्रल का इक्वल्स टू केवल I बचा इसमें r e टू द पावर आई थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया I को इंटीग्रल के बाहर कर लें इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप 0 to 2 pi d थीटा केवल बचा और d थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई दैट इज आई अब अपर लिमिट थीटा की जगह 2 पाई है लोअर लिमिट कितना है 0 है तो आई 2 पाई माइनस 0 दैट इज 2 पाई आई इसका वैल्यू आ गया एक वैल्यू आ गया इसे इक्वेशन 1 मान लें यह इंटीग्रल जो गिवन इंटीग्रल है उसका वैल्यू आ गया इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप क्लोज कंट्रोल सी या क्लोज लूप सी 1 बाई जेड डी जेड इसका वैल्यू आ गया 2 पाई आई कब दिस इज इक्वेशन नंबर 1 व्हेन द क्लोज कंट्रोल सी इनक्लोजेज the origin, then the value of the given integral, integral over closed loop C, 1 by z dz is equal to kitna gaya 2 pi I. This is the value of the given integral. If this closed curve C, closed contour C, encloses the origin. On the other hand, if the closed contour C does not enclose the origin O, then the value of the given integral, integral over closed loop C, 1 by z dz becomes 0. On the other hand, write down, if the closed curve or closed contour C does not include the origin. We have integral over closed loop C
डी जेड बाई जेड या वन बाई जेड डी जेड इक्वल्स टू जीरो एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो दो रिजल्ट आया, मतलब इस इंटीग्रल का गिवन इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप वन बाई जेड डी जेड का दो वैल्यूज आया। एक वैल्यूज कौन आया, एक वैल्यू कौन है, टू पाई आई है और दूसरा वैल्यू जीरो है। टू पाई आई कब है इंटीग्रल का वैल्यू, जब क्लोज लूप ऑरिजिन को इंक्लूड करता है, ऑरिजिन को इंक्लूड करता है तब वैल्यू होगा इंटीग्रल का, इस इंटीग्रल का इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप वन बाई जेड डी जेड का टू पाई आई। और जब इंक्लोज नहीं करेगा, मतलब जब क्लोज लूप ऑरिजिन को इंक्लोज नहीं करेगा, तो इस इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी वन बाई जेड डी जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो दोनों को एक जगह कर देते हैं, दोनों को कंबाइन कर दें दोनों इक्वेशंस को, देयर फॉर हेंस वन बाई इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी वन बाई जेड डी जेड इक्वल्स टू टू पाई आई कब इफ द क्लोज कंटूर क्लोज लूप सी इफ सी इफ सी इंक्लूड्स इफ द क्लोज लूप सी इंक्लूड्स इंक्लूड्स और इंक्लोजेज इंक्लूड्स कहें चाहे इंक्लोजेज इंक्लोजेज द ऑरिजिन एंड ये और यह इंटीग्रल इंटीग्रल ओवर क्लोज लूप सी वन बाई जेड डी जेड इजकल टू जीरो इफ क्लोज कंटूर सी डज नॉट इंक्लोज द ऑरिजिन। Thus, we have evaluated the given integral, integral over closed loop, integral over closed loop, 1 by z dz, as 2 pi I, if the closed loop C encloses the origin, and is equal to 0, if the closed loop C does not enclose the origin. Now, this video is concluded, अब यह video समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौचिज इंटीग्रल थ्योरम को डिस्कस किया और उस पर बेस्ड एक एप्लीकेशन को भी इवैल्यूएट किया। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।